नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर, जन की आवाज। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश अपना कहर बरपा रही है। वहीं जगह जगह पर उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में सड़कें टूट चुकी हैं, यातायात भी पूर्ण रूप से अवरुद्ध हो चुका है। वहीं कई जगह गांव में भूस्खलन के कारण काफ़ी खासा नुकसान भी हो चुका है। वहीं कई मकान भूस्खलन के कारण जमींदोज भी हो चुके हैं। ऐसे मौके पर मरीजों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ताज़ा मामला पौड़ी जिले के दुगड्डा हनुमंती का है, जहां पर उजागर सिंह की पत्नी प्रसव पीड़ा से पीड़ित हो उठी, जिस पर परिजनों ने हंस अस्पताल चमुलसेन आने का फैसला लिया। क्योंकि आपको मालूम है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 534 पर कोटद्वार दुगड्डा के बीच लगातार हो रहे भूस्खलन के कारण आवाजाही बंद है। वहीं हनुमंती रोड पर रिस्क न लेते हुए सतपुली हंस अस्पताल चमुलसेन को आने का फैसला लिया, जिसके बाद परिजन मरीज के साथ सतपुली पहुंचे। लेकिन सतपुली और चमुलसेन के बीच बागाट रोड पर भी मलवाने के कारण मार्ग अवरुद्ध मिला, जिसको लेकर थाना अध्यक्ष सतपुली लाखन सिंह के निर्देश पर थाना सतपुली से पुलिस कर्मियों द्वारा मौके पर पहुंचा गया, जहां मरीज को एम्बुलेंस से जीप की वैकल्पिक व्यवस्था कर हंस अस्पताल में भिजवाकर मानवता का धर्म निभाया। वहीं लगातार हो रही बारिश के चलते दुगड्डा कोटद्वार मोटर मार्ग बुधवार देर शाम तक अभी तक बंद है, जिस पर यातायात पूर्ण रूप से बाधित है। वहीं पैदल चलने वालों पर भी दुगड्डा चौकी इंचार्ज सूरज शर्मा की ओर से पैनी नज़र रखी जा रही है, जिन्हें कि पैदल यात्रा नहीं करने दिया जा रहा है, क्योंकि वहां पर जानलेवा व खतरनाक पैदल यात्रा हो सकती है। यदि किसी प्रकार का लैंडस्लाइडिंग व बड़े डोजर या पत्थर वहां पर आते हैं तो बड़ा हादसा हो सकता है, जिसको लेकर प्रशासन भी सतर्कता बरत रहा है। वहीं में लगातार हो रही बारिश के कारण जगह जगह पर मोटर मार्ग बंद हो रहे हैं। वहीं रीठाकाल संगलाकोटी मोटर मार्ग बुधवार को लगातार हो रही बारिश के कारण भूस्खलन के कारण अवरुद्ध हो गया। वहीं भूस्खलन के कारण मलवा और बड़े बोल्डर आकर सड़क पर गिर पड़े, जिसके कारण मार्ग अवरुद्ध हो गया। वहीं पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश आफत बनकर आ रही है। वहीं द्वारिखाल ब्लॉक के बड़ेत गांव में एक मकान लगातार हो रही बारिश के चलते भूस्खलन के कारण धराशायी होने के कगार पर है। मकान के समीप का पुस्ता लगभग बह चुका है। वहीं पुस्ते ढहने के बाद मकान धराशायी होने के कगार पर है, जिसको लेकर मकान में रहने वाले लोगों ने घर को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट होना शुरू कर दिया है। उधर जोशीमठ के पगनो गांव में बारिश का कहर इस तरह बरपा की गांव के ठीक ऊपर पहाड़ी पर फिर से भूस्खलन होने लगा। पहाड़ी से भारी मलबा, गाद और पानी आकर गांव के अंदर घुस गया, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। पिछले एक महीने से पागनो गांव की पहाड़ी में लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिससे कि ग्रामीण परेशान हैं। उधर विकासखंड जोशीमठ में भारी बारिश से लामबगड़ की सड़क के ऊपर बह रहा मलबा व पहाड़ी से गिर रहे मलबे के कारण पानी आने से भारी बोल्डर आने के कारण लामबगड़ में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पूर्ण रूप से बाधित हो गया। उधर चमोली जिले के थराली में पिंडर नदी एक बार फिर अपने उफान पर आ गई है। पिंडर नदी किनारे पिंडर पब्लिक स्कूल तक पिंडर नदी का पानी पहुंच चुका है, जिससे ग्रामीणों सहित स्कूल प्रशासन में दहशत का माहौल बना हुआ है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र ही नहीं बल्कि मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश का कहर जारी है। बारिश के कारण उपनगरी ज्वालापुरी में पुराने मकान की दीवार गिर गई। मोहल्ला मेहतान का फटवाड़ा में पूर्व सभासद निखिल राजन मेहता के मकान की दीवार गिर पड़ी। वहीं मकान की दीवार गिरने से विद्युत पोल भी टूटकर सड़क पर गिर गया। गनीमत रही कि इस दौरान कोई व्यक्ति दीवार की चपेट में नहीं आया और सड़क से लोगों का आवागमन बंद रहा। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, सबसे पहले खबर को पाने के लिए।